गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग बाय 2.0। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम आखिर में मर गए थे और दोबारा रात चल रही थी, तो मैं भटकता भटकता एक जगह पे आया और मैंने अपना थोड़ा घटिया सा घर बना लिया। आपको शायद अच्छा भी ना लगे वो, लेकिन आप देखो तो 1 2 3 ये है मेरा घर का गाइस। ये गाइस बहुत ज्यादा रो पिट के मैंने ये घर बनाया, क्या बताऊं, बस दिमाग खराब हो गया। ये फूल मैंने रास्ते से उठा लिए थे और कुछ नहीं है, बस ये तीन चीजें। और मैं माइनिंग पे भी गया था जहाँ से मेरे को आयरन मिला था, ये 7 आयरन तो यहीं पे है गाइस। और एक चीज बता दूं तो और क्या हुआ था, जो मैंने अपना फार्म बना लिया था एक छोटा सा, कहाँ पे था ये रहा गाइस मेरा फार्म है। अच्छा ये रहा गाइस, ये गाइस मेरा फार्म। मेरे को थोड़ा फूड की सप्लाई चाहिए थी जो यहाँ पे, तो मैंने जानवर वगैरह मार दिए थे, थोड़े बहुत ही होंगे यहाँ पे। मेरे को थोड़ी फूड की सप्लाई चाहिए थी तो मैंने ये उगा दिया यहाँ पे थोड़ा सा। आज के वीडियो में गाइस हम ज्यादा ना वो बनाएंगे, आज पूरा बढ़िया सा फार्म बनाएंगे और एनिमल फार्म भी बनाएंगे। देखते हैं गाइस, एनिमल फार्म का तो पक्का नहीं पता लेकिन फार्म जरूर बनाएंगे। तो फार्म बनाने की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ से हम ये ले लेते हैं पहले तो वुड ले आते हैं गाइस, क्योंकि क्या दिक्कत है ना गाइस, अगर वुड नहीं होगी ना तो फिर कुछ नहीं बना पाएंगे। फैंस की जरूरत होती है, फैंस गेट की जरूरत होती है, ये सब चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमको वुड इकट्ठे करके लानी पड़ेगी। और अगर गाइस आपको यकीन ना है कि मैंने माइनिंग से लाया हूँ मैं सब, तो यहाँ पे मैंने गड्ढा वड्ढा भी खोदा था गाइस, ये रहा। यहाँ पे नीचे जाके मैंने माइनिंग से यहाँ से मैंने लिया था। अब रात भी होने वाली है क्योंकि मैंने गेम देर में स्टार्ट कर लिया, तो थोड़ी सी वुड लेके अब जाके हमको नाइट स्किप करनी पड़ेगी अपने बेड पे जाके। हम यहाँ पे वुड तोड़ लेते हैं, कम से कम 64 या 47 वुड लेके जाएंगे। अभी तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि अभी रात हो चुकी है, अभी घर चलते हैं वापस, क्योंकि भाई मर मर गया ना दिक्कत हो जाएगी। पहले घर चलते तेजी पर, तेजी नाल घर चलो भाई। यहाँ पे चलते हैं गाइस जल्दी से अब घर में। ये क्या आ रहा है भाई, रात हो तो गई भाई, सुला ले सुल के। चलो गाइस, और गाइस आप कमेंट में बताओ ये जो बोलती है ना ये गेम के अंदर ये कैसे हटता है, मेरे को पता नहीं है, तो आप बता देना कमेंट्स में कैसे हटती है ये चीज। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप ऐसे मत समझो कि नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, तो आप बता दो कमेंट्स में एक बार ये कैसे हटता है। यहाँ पे मेरे को चिकन्स तो दिख गए, चिकन्स का शायद हम बना सकते हैं। शीप वगैरह हमको ढूंढ के लानी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे तोड़ लेते हैं इसको, जितने वुड हो सकते हैं गाइस उतने तोड़ लेते हैं। ये व्हाइट वाले भी तोड़ लेते हैं, ये जो है ना इससे व्हाइट वुड बनती है गाइस, थोड़े अलग कलर की। जितने हो सकते गाइस उतने तोड़ लेते हैं अभी हम फिलहाल। अब ये वाला गाइस मैंने आधा पेड़ तोड़ा था बस पिछली वीडियो में, अगर आपको पता नहीं, पिछली वीडियो में नहीं लेकिन ये मैंने जब मैं अपना घर बिल्ड कर रहा था तो मैंने आधा पेड़ तोड़ा था बस, ये तब से हवा में लटका हुआ है। ये भी सीन बेकार है यार माइनक्राफ्ट का, ये लटके रहते ना पेड़ बिना नीचे कुछ भी नहीं है, अलग ही सीन है। मेरी एग्स भी खत्म होने वाली है, तोड़ते गए तो हम फार्म बना लेंगे। यहाँ नीचे से ब्लॉक हटाते हैं ये, अब यहाँ से भी इसको तोड़ते हैं। यहाँ से तोड़ते हैं सब अब जल्दी जल्दी। जितनी गाइस 47 तो हमको 47 या 48 तो तोड़ के जानी है गाइस हमको, क्योंकि ज्यादा वुड वगैरह चाहिए। और पिक भी दिख चुका है गाइस, लेकिन पिक को लाने के लिए पोटैटो वगैरह चाहिए। अभी तो फिलहाल बस मेरे पास चिक्स को लाने के लिए सामान है,
गाइस ज्यादा तो हो गई गाइस, अगर हम दोनों वुड को प्लस वगैरह करें तो 48 तो बन जाती, 47 बन जाती है, 48 हाँ 48 बन जाती है गाइस, 48 वुड हम तोड़ के ले जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट 48 पर टूटी है पिकेट्स एक्स, सॉरी। अब इसका बना क्राफ्ट लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये 64 गाइस एक पूरा स्टैक बन चुका है, दो स्टैक बन चुके हैं, हाफ स्टैक बन चुका है गाइस, टू एंड हाफ बन चुके हैं, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा 75% ब्लैंक बन चुके हैं, आप कुछ अच्छा चेस्ट डाल देते हैं, वैसे मेरे पास पहले पड़े थे गाइस, ऐसी बात नहीं है कि पहले थे नहीं, लेकिन थे क्या बताऊं, पहले पड़े थे मेरे पास बहुत सारे, और ये जो मेरे पास ये है ना सैपलिंग्स, इनको उगा देता हूँ मैं, काम आएंगे हमारे, बाहर जाके मैं इन्हें उगा लेता हूँ, पास पास में उगा लेता हूँ, यहाँ पे गाइस इसी सैपलिंग्स लगाने के साथ साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा गाइस, अब जैसे आप देखते हो पॉपुल पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए आप अभी अच्छा लॉकडाउन ही है, अपनी छत पे जाओ और एक पौधा लगाओ जरूर गमले के अंदर, एक अगर 1,000 लोग भी लगाएंगे ना गाइस तो 1,000 पौधे, बहुत ऑक्सीजन मिलता है गाइस बहुत, तो इसलिए लगाओ, अच्छा क्या बातें कर रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेड़ तोड़े हैं। चलो गाइस अब हमको बनाना था साइड को, क्या कहते हैं उसको, बन गया क्राफ्टिंग बटन स्टिक्स बनानी पड़ेंगी सबसे पहले बटन हमको, स्टिक बना लेते हैं बहुत सारी स्टिक्स, 56 स्टिक बन चुके हैं गाइस हमारी, बटन बटन फेंस, हाँ फेंस बनाने गाइस हमको बहुत सारे, क्या सीन है यार, एक एक करके रखने पड़ेंगे क्या, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, कितने देखते हैं गाइस अब कितने बनते हैं फैंस, 27 फैंस बन चुके हैं, देखते हैं अब कितने लग जाते हैं, कितना बड़ा बनाना है उनको, अभी फिलहाल तो कुछ मन में है नहीं मेरे इतना बड़ा बनाने का, पहले आज हम ये डर्ट हटा देते हैं गाइस, चेस शवल रखा हुआ है मेरे पास, यहाँ से डर्ट हटा देते हैं गाइस, ये यार एक गड्ढे वड्ढे बेकार लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से खेली नहीं जा रही फॉर सम रीजंस, पता नहीं क्यों लग गया, चलो गाइस अभी ये सब Thank you.
करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर। ठीक है गाइस इतना बड़ा बन चुका है। शायद मेरे पास एक गेट भी पड़ा है। ये रहा गेट मेरा। मैंने पहले बनाने की कोशिश करी थी तो मैंने बना लिया था। अब इसको तोड़ के यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमको इसके अंदर बनाना है फार्म अपना। तो शायद मेरे को मेल्ट वेल्ट करना पड़ेगा आयरन वगैरह क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक काम करता हूँ गाइस मैं Furnace. इसको रख के अभी वुड रख देता हूँ फिलहाल क्योंकि मेरे पास वो तो है नहीं। तो क्या जलाना चाहिए मेरे को? ये 10 जला देते हैं। Furnace. ये सीढ़ियां भी जला देते हैं कोई काम की नहीं। पहले वो खाली होता है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टिक तो है हमारे पास, 2-3 ये ले लेते हैं। वो बना देते हैं गाइस। वो बन चुका है गाइस। अब यहाँ की तो मैं उखाड़ूंगा नहीं जब तक देखते हैं क्या होता है। और मैं सोचता हूँ एक शवल भी बना लूं। क्राफ्टिंग। शवल क्यों बनानी है अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा गाइस डेकोरेशन बढ़िया लगती है अभी आपको दिखाता हूँ। अगर हम क्या रात होने वाली है हम ऐसे जमीन पे मारते कैसे ऐसे। हाँ गाइस ये बन जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे भाई मैंने यहाँ गेट से ले लिया ऐसे एक पाथ बन गया मेरे लिए। देखो ऐसे जाओ अंदर सीधा बढ़िया है ना। ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा। देखते हैं क्या हो गया उतना। 6 आयरन आ चुके हैं गाइस। एक और ले लेते हैं यहाँ से। अब भाई थोड़ी मीट वगैरह पड़ी है मेरे पास तो ये मीट उगा लेते हैं मतलब यहाँ पे खा लेते हैं। तो अब सो जाते हैं क्योंकि रात हो गई कोई नहीं अभी। तो अभी यहाँ पे हम बकेट बना लेते हैं। मेरी बकेट ये हमने बकेट बना ली गाइस। अब बाकी का काम सुबह करेंगे देखते हैं अब सो पाते हैं क्योंकि गाइस रात को करने का ना थोड़ा रिक्स है। तो रिक्स अब बाहर लेंगे जब हमारे पास थोड़ा आर्मर वगैरह आ जाएगा तब लेंगे थोड़ा सा रिक्स रात को काम करने का। अभी तो पहले तो बकेट में पानी भर के लाते हैं। नहीं पहले यहाँ पे खोदते हैं क्या करना है कैसे देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1-2 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं बीच बीच में ना एक जगह खोद खोद के जैसे यहाँ पे इन चारों जगह पे गाइस पानी डलेगा। तो सबसे पहले तो एक एक करके लाना पड़ेगा गाइस पानी। एडवांसमेंट में मिल चुकी है हमको। यहाँ पे भर लेते हैं इसको गाइस सबसे पहले तो चारों तरफ। फिर हम हो से करेंगे यहाँ पे। अब आपको बताता हूँ हो का काम क्या होता है। पहले तो सब में भरते हैं पानी। यहाँ पे भरते हैं एक जगह रह गई गाइस बस एक जगह रह गई बस एक जगह गाइस हो गए गाइस। यहाँ का हमारा पानी का जुगाड़ हो चुका है। अब हमको यहाँ पे ये कर देते हैं गाइस। इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे ना तो ऐसा हो जाती है ये उपजाऊ मिट्टी हो गई है। यहाँ पे हम उगा सकते हैं खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो इतना छोटा खेत सही है बाद में हम बड़ा कर लेंगे इसको। तो ये उग तो नहीं रही है इनको तोड़ ही लेते हैं। प्लीज कमेंट में मत लिखना कि तुम उग है और ये उगने जो उगने वाली है उनको नहीं तोड़ेंगे। जैसे उगने वाली है ये अभी टाइम लेगी। अरे ये अभी टाइम नहीं लेगी। जो
जो उगेगी नहीं ना गाइस अभी वो तोड़ेंगे बस, जो उगने वाली है उनको नहीं तोड़ रहे। जैसे अभी उगने में बहुत टाइम लेंगी, ये जैसे उगने वाली है बस, तो इनको छोड़ दिया हमने। Crafting. और ऐसी बात नहीं गाइस कि मैं वहीं उगाऊंगा, यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे है ना बीच साइड जो बना रखा है मैंने पता नहीं क्या, तो यहाँ पे भी लगाऊंगा गाइस मैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा मैं सारी जगह क्रॉप्स, क्योंकि जगह तो अभी यहाँ पे तो हम बाद में बनाएंगे ना बड़ा, अभी तो छोटा ही है, फूड सप्लाई तो चाहिए होगी हमको। एक सीड और लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ का काम खत्म है। एक सीड ले आते हैं, एक सीड तो यहीं कहीं से तोड़ देंगे, लो मिल गया। और गाइस एक और चीज बता दूं, ये जो ग्रास होती है ना इसको तोड़ते हैं ना, सब मुक्का मारते हैं इसमें खिंचा के, तो इसमें से सीड निकल जाता है किसी किसी में, तो यहाँ पे हमारे शुगर केन में उगा रखी है मैंने। तो गाइस हमारा फार्म तो बन चुका है, अब हमको यहाँ पे एक वो बनाना है एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म बनाने के लिए भी हम यहाँ से सबसे पहले तो वुड ले लेते हैं। चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा ठीक ठाक 16-15 लाइक डाल दे, इस वीडियो का हमें 15 लाइक्स डालोगे तो मैं यहाँ पे एनिमल फार्म बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने आज ये बना लिया अपना बिल्कुल बढ़िया वाला, तो ये बना लिया हमने और मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने अपग्रेड करा है, ये है जो मैंने अपग्रेड करा है अभी फिलहाल। तो चलो इस वीडियो के लिए इतने ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना जो मैंने पूछी थी प्रॉब्लम, जैसे ये कर देते हैं तो ये बोलती है सीरी वगैरह जो भी है, ये इसको कैसे हटाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।